आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। रविवार को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के निर्देश पर हुक्का बार एवं अवैध मादक पदार्थों के तस्करों के विरुद्ध प्रदेश के सभी जनपदों में एक साथ की गई छापेमारी। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने महानगर के 12 रेस्टोरेंट पर की छापेमारी। 5 रेस्टोरेंट में पाया गया हुक्का बार। 7 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। रेस्टोरेंटों को किया गया सील। यूपी के टॉप 61 माफियाओं के लिस्ट में शामिल माफिया राजन तिवारी के खिलाफ कैंट पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। गुरुवार को जिला कारागार ले जाते समय पुलिस कर्मियों को जान से मारने की दी थी धमकी। पुलिस माफिया राजन तिवारी की संपत्ति का जुटा रही है। ब्यौरा एसपी सिटी ने दी जानकारी। रविवार को खजनी थाना क्षेत्र के कर्मा हॉस्पिटल में गलत इलाज के कारण महिला की हुई मृत्यु। परिजनों के तहरीर के आधार पर हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ मुकदमा किया गया पंजीकृत। हॉस्पिटल को किया गया सील। एडिशनल सीएमओ ने कहा प्रकरण की जांच करने के लिए गठित की गई है टीम। मामले की जांच कर सौंपेंगी रिपोर्ट। जीडीए अध्यक्ष मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में 24 अगस्त को होगी जीडीए बोर्ड की बैठक। गोरखपुर शहर की महायोजना पर लगेगी मुहर। विभिन्न योजनाओं का नागरिकों को मिलेगा लाभ। ऑपरेशन त्रिनेत के संबंध में एडीजी जोन अखिल कुमार ने जनपद के ग्राम प्रधानों के साथ की बैठक। प्रधानों को बताया सीसीटीवी कैमरे से लाभ। ग्राम प्रधानों से अपने अपने चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए किया अपील। मादक पदार्थों की बिक्री करने के आरोप में राजघाट थाने की पुलिस ने 2 अभियुक्तों अमित रावत व विनय रावत सहित एक बाल अपचारी को किया गिरफ्तार। 42.2 ग्राम नाजायज स्मैक बिक्री के 2,460 रुपए किया बरामद। भेजा जेल। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के प्रथम स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज स्मृति सप्त दिवसीय व्याख्यान माला का हुआ शुभारंभ। मुख्य अतिथि प्रोफेसर रजनीश शुक्ल ने कहा साधक से सिद्ध बनना हो विद्यार्थी का लक्ष्य। प्रत्येक व्यक्ति को एक विशिष्ट रचना मानने वाली जीवंत चिकित्सा प्रणाली है आयुर्वेद। चोरी के मोबाइल के साथ एक अभियुक्त राहुल पासवान को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी का 4 मोबाइल किया बरामद। भेजा जेल। और गोरखपुर वन प्रभाग के भारीवैसी में बन रहा है देश में पहला रेड हेडेड वल्चर जटायु संरक्षण व संवर्धन केंद्र। वन जीव संरक्षण इको टूरिज्म के क्षेत्र में आजीविका के अवसर विषय पर दिग्विजयनाथ महाविद्यालय में गिद्ध संरक्षण संवाद का किया गया आयोजन। प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन जीव उत्तर प्रदेश पीके दुबे ने कहा पर्यावरण को शुद्ध करने का कार्य करते हैं गिद्ध। मिलेगा इको टूरिज्म को बढ़ावा।